अगर आपको भी यही लगता है कि भारत का मुसलमान कंप्लेन नहीं कर रहा है अभी अरब वर्ल्ड में, इसलिए हिंदू ठीक है वरना जलजला आ जाता, तो मैं कह रहा हूँ कर लो कंप्लेन, जो कंप्लेन करके जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस वीडियो में दो मुद्दे मैं शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ और एक लॉजिकल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ एक एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और जो सवाल पूछूंगा उसका आप जवाब दे देना कि इससे आपको समझ में क्या आता है। और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है तो पूरा देख लेना, समझ में आएगा। और एक जो जनता देख रही है अभी मुझे, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मैंने एनालिटिक्स में चेक किया कि 90% लोग वो होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता है और वो वीडियोज़ देखते हैं। बात तो अच्छी है, बिना सब्सक्राइब किए भी देख लो कोई बात नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, अगले को भी लगे कि जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो बस इतना ही कहना कि कोई नया है सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा दो। अब शुरू करते हैं मुद्दा। मुद्दा जो ये है ज़फ़रुल इस्लाम साहब का स्टेटमेंट, उसमें ये कहते हैं, आपको हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश में मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, यहाँ दिख जाएगा, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। और एक लिंक दूंगा ओप इंडिया की, और किसी को कुछ ना भी पता तो थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उनका ये कहना है कि शुक्र मनाए भारत का हिंदू या हिंदूवादी लोग कि भारत के मुसलमानों ने अरब कंट्रीज से ये रिक्वेस्ट नहीं की है या फिर यहाँ के लोगों की कंप्लेन नहीं की है कि कैसे देखो यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, इनजस्टिस, ये वो डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर कर दिया होता तो यहाँ पे जलजला आ जाता, ओवरऑल मतलब ये था। उन्होंने कुछ लोगों के नाम गिनाए कि भारत के मुसलमानों का इस्लामिक कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में सब कुछ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कल्चरल, ये वो करके कुछ नाम गिनाए, जिसमें एक नाम था जाकिर नायक का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम क्यों नहीं गिनाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिन्होंने इतना किया, इंटरनेशनली फेमस हुए, रिस्पेक्ट गेन की, लोग पूजा करते हैं उनकी। लेकिन तब भी इससे यही पता चलता है कि इस आदमी की मानसिकता क्या है, किस एजेंडे से इसने इन सब के नाम लिए। जाकिर नायक जो भागा हुआ है भारत से, एक तरीके का क्रिमिनल ही है, और देशों ने, कई देशों ने उसके जो शोज आते थे बैन करके रखे हैं टीवियों से, और कई बार ये देखा गया है कि उसके भाषणों से प्रेरित होकर बच्चों ने ISIS ज्वाइन किया है, बम फोड़े हैं, कई लोगों की जानें ली हैं। तो एक क्रिमिनल का नाम लिया पहली चीज़। और अगर जाकिर नायक जैसे लोग इस्लामिक वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इस्लाम की क्या छवि बनती है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, मुझे ये पाखंड नज़र आया कि जब ये स्टेटमेंट आया तो मुझे नहीं दिखे वो लार्ज नंबर में मुसलमान जो हर वक्त आ जाते हैं कि मुसलमान में इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है, लोग बदनाम कर रहे हैं, ये असली इस्लाम नहीं है, ये असली मुसलमान नहीं है, कुछ भी बला बला। कोई नहीं आया, किसी ने कंप्लेन नहीं की, एक ट्वीट नहीं किया, एक FIR नहीं की, कोई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं की कि इसके अगेंस्ट ये एक्शन होना चाहिए, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। खैर आप लोग कब आएंगे मुझे नहीं पता, आप लोग तब आएंगे जब आपको लगेगा कि आपके मतलब की कोई चीज़ है, आपके कंफर्ट जोन में कुछ आ रहा है जिससे आपके प्रोपोगेंडा पूरे होते हैं, एजेंडा पूरे होते हैं। तो इसने तो धमका लिया सबको भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इसके लिए तो मेरे अंदर रिस्पेक्ट खत्म हो गए, तो मैं इसका नाम रिस्पेक्ट से नहीं लूँगा, ज़फ़रुल इस्लाम खान जो भी नाम है इसका। तो इसने जो दलाली की है, दलाई की है अपनी, कि भारत में रह के अरब कंट्रीज़ की चाटने वाली जो हरकत है और हिंदुओं को जो धमकाने वाली हरकत है, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा ये स्टेटमेंट ये कहता है, और जिससे किसी मुसलमान ने डिसएग्री नहीं किया, ये कहता है कि भारत में मुसलमान पीड़ित हैं, लिंच्ड हैं, अत्याचार हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, खुश नहीं है ना एक तरीके से। तो मैं अगर अपने घर में खुश नहीं रहूँगा, बहुत प्रताड़ना झेलूँगा, तो मैं क्या करूँगा, कहीं और कमरा लेकर रहूँगा, रेंट पे लूँगा, शहर छोड़ दूँगा, यही करूँगा ना, ताकि उस जगह से चला जाऊँ, ताकि मैं खुश रहूँ, उस एनवायरमेंट में रहूँगा जहाँ पर मेरी इज्जत हो। ठीक, तो जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो चले जाएं, या फिर वहाँ पे CA आने का वेट कर रहे हैं। इसी से लिंक मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपने अक्सर मुसलमानों के कहते हुए सुना होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैंने स्टोरीज देखी हैं अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह देखा है कि वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरीके से भारत के मुसलमानों को जय श्री राम बोलने के लिए उकसाया जाता है, वंदे मातरम बोलने के लिए कहा जाता है, उसी प्रकार अरब कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में हिंदुओं को अल्लाह ऊपर कहने के लिए नहीं कहा जाता। तो मैं ये सोच रहा हूँ, हिंदू तो वहाँ पे कुछ दिन का मेहमान है, सिटीज़न भी नहीं है, कभी मिलेगी भी नहीं सिटीजनशिप, और वहाँ का नहीं है वो, उसको वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, और अगर वहाँ पे रहता भी तो बहुत लॉ के हिसाब से, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहता है, मतलब सभ्यता से रहता, कोई कंप्लेन नहीं आ सकती, हिंदू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि अगर आप भी यहाँ पे किराएदार हैं, कुछ समय के मेहमान हैं, तब तो आप एग्जाम्पल दीजिए, और इतनी प्रॉब्लम है तो चले जाइए। लेकिन आप एग्जांपल देते हैं कि जैसे वहाँ उनके साथ नहीं होता वैसे यहाँ हमारे साथ मत करो,
मतलब वो तो यहाँ के हैं लेकिन हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ के। तो अगर आपको अरब कंट्री से रिलेशन रखना है, जिस अरब वर्ल्ड के लोगों ने भारत में इन्वेजन किया, रेप किए, बलात्कार किए, लूटा, मारा, काटा, हिंदुओं को कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया, आज वही मुसलमान उन लोगों जैसी बातें करेंगे, उनका कल्चर यहाँ लाना चाहेंगे, उनका एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट करना चाहेंगे, तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो जब आप ये कहते हैं तो हम लोग कभी कभी जवाब नहीं दे पाते कि हाँ बात सही है, सही। कई बार देखा गया है कि यहाँ पर जैसे राम बोलने को कहा गया लेकिन वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगवाने की बात यहाँ पर नहीं आई है। तो हम लोग भी सोचते हैं लेकिन कोई ये नहीं सोचता ना, मैंने कभी ये क्लिक नहीं किया मेरे कि आपका ये सजेशन तो बहुत सही है, वो तो वहाँ पर कुछ समय के मेहमान हैं, फिर आप भी यहाँ पर कुछ समय के मेहमान हैं, किराएदार हैं आप, चले जाइए भाई। खैर इस वीडियो को मैं इतना ही एंड करूँगा। लोगों से मेरे जो दो सवाल थे उन मुसलमानों से थे कि जफरुल इस्लाम खान के स्टेटमेंट से अगर आप एग्री नहीं करते तो आपने उसके अगेंस्ट क्या करने का सोचा है, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको भी यही लगता है कि भारत का मुसलमान कंप्लेन नहीं कर रहा है अभी अरब वर्ल्ड में, इसलिए हिंदू ठीक है वरना जलजला आ जाता, तो मैं कह रहा हूँ कि कर लो कंप्लेन, जो कंप्लेन करके जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। मैं भी कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, अरब वर्ल्ड में जो कंप्लेन दे के उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है। तकलीफ तुम्हें क्या हो रही क्या नहीं हो रही मुझे नहीं पता, कोई इंटेंशनली कुछ नहीं करता। जितना अगर कुछ गिने चुने मुसलमानों का अत्याचार हो जाते हैं उससे कई बड़ी ज़्यादा तादाद में हिंदुओं के साथ हो रहा है कन्वर्जन, रेप, धर्म के बेसिस पे कन्वर्जन, रेप, लिंच। और इस्लाम के मानने वाले ऐसे कैसे होते हैं कि हर जगह अगर आपको अपना धर्म प्रोपोगेट करना है तो सिर्फ वायलेंस से करेंगे, फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे, जिस देश में जाएंगे उस देश की सभ्यता को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे इस्लाम पनपने लग जाता है। फिर आप कहते हैं देखो इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं हमारी, लेकिन आपने कभी तरीका बताया ही नहीं। और अगर अभी भी वो जो सूफी संत घूम रहे हैं प्यार से कन्वर्ट करने वाले, इस्लाम को प्रोपोगेट करने वाले, तो क्यों नहीं अभी यहाँ पे कोई बहुत प्यार से कन्वर्ट हो जा रहा है? मुझे प्यार से कन्वर्ट करके दिखाओ, किसी भी राह चलते हिंदू को प्यार से कन्वर्ट करके दिखाओ। हाँ लेकिन आप दलितों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत लालच दे देते हैं कि आपको वेल्थ मिल जाएगी, आपको और नौकरी मिल जाएगी, समाज में इज्जत मिल जाएगी, कुछ समय के लिए वो हो जाते हैं क्योंकि उनको आपका इंटेंशन नहीं पता है। और मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि इसको जफरुल इस्लाम खान को आपका क्या रिप्लाई होना चाहिए, आप अपनी तरफ से क्या रिप्लाई करना चाहते हैं कमेंट बता दें अगर यहाँ तक किसी ने देख लिया तो। और ये वीडियो खूब शेयर होनी चाहिए, कुछ नहीं तो वैसे लोगों तक बिल्कुल पहुँचाओ जिनको लगता है कि उनका कंप्लेन करना अभी बाकी रह गया, उसी से डरा हुआ है आदमी, है ना, तो वो थोड़ा जाए कंप्लेन करके देख ले, एक पूरा मेजॉरिटी में पूरा अपने भीड़ में ले जाए, कुछ लिख के चाहे जैसे अरब वर्ल्ड में कंप्लेन कर ले कि भाई हिंदुओं ने परेशान करके रखा, भारत का जो उखाड़ पाओ उखाड़ लो। वैसे समझदारी तो यही होगी कि तुम यहाँ बहुत परेशान हो तो खैर वो जो मेरा आइडिया था। जय हिंद, वंदे मातरम।